नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लेयर थ्री एजुकेशन के इस नए वीडियो में। आज हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए आपके लिए लाभदायक साबित होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग होने चाहिए। ऑप्शन है 8, 10, 12 या 15। हमारा सही आंसर होगा 8। सदैव ध्यान रखें कि महाकाव्य में कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा काव्य गुण नहीं है। ऑप्शन है आपके पास माधुर्य, प्रसाद, ओज, तेज। हम सभी अच्छी प्रकार से जानते हैं कि काव्य गुण 3 होते हैं, माधुर्य, प्रसाद और ओज। इसलिए वह कौन सा है जो इन गुणों में नहीं होता, तो आप सब समझ गए होंगे कि हमारा आंसर होगा तेज। काव्य गुण तेज नहीं होता, माधुर्य, प्रसाद और ओज तो होते हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, जेही बर बाजी राम असवारा, तेही सारदर न बरनई पारा। इनमें कौन सा अलंकार है। ऑप्शन है यमक, वक्रोक्ति, अन्योक्ति या अतिशोक्ति। आपको पंक्तियां पढ़कर समझना होगा कि इनमें यमक अलंकार के चांस नहीं हो सकते, क्योंकि यमक अलंकार में एक ही शब्द अनेक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग निकले, जैसा कि इसमें नहीं दिखता। वक्रोक्ति भी नहीं हो सकता, क्योंकि वक्रोक्ति में किसी को कोई बात जानबूझकर सुनाई जाए, ऐसा भी नहीं हो रहा। अन्योक्ति अलंकार भी यहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि अन्योक्ति में अप्रस्तुत का वर्णन करके प्रस्तुत का बोध कराया जाता है। इसलिए आखिरी जो ऑप्शन बचा आपके पास अतिशोक्ति, अतः हमारा आंसर होगा कि जेही बर बाजी राम असवारा, तेही सारदर न बरनई पारा। इनमें अतिशयोक्ति अलंकार है। हमारा सही आंसर होगा अतिशयोक्ति। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है चौथा, जिसमें आप पढ़ें, इनमें कौन से रस युग्म हैं जो महाकाव्य के प्रधान रस माने जाते हैं। मतलब जो ऑप्शन हैं उनमें ऐसे कौन से दो रस जोड़े से आए हैं जो महाकाव्य के प्रधान रस होते हैं। ऑप्शन है श्रृंगार शांत, वीर भयानक, करुण रौद्र या हास्य वात्सल्य। तो आप सभी अच्छी प्रकार से जानते हैं कि महाकाव्य के प्रधान रस होते हैं श्रृंगार और शांत, अतः हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, श्रृंगार और शांत। महाकाव्य के प्रधान रस होते हैं श्रृंगार और शांत। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे पढ़ें। इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन पावक, आग, अनल, पवित्र। हम जानते हैं कि ऊपर के 3 ऑप्शन पावक, आग और अनल अग्नि के पर्यायवाची हैं, केवल पवित्र ऐसा शब्द है जो अग्नि का पर्यायवाची नहीं हो सकता, अतः हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पवित्र। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6 आप पढ़ें, जिसमें लिखा हुआ है, मैं उस पर विश्वास करता रहा और वह मेरी आँखों में धूल झोंकती रही। वाक्य में रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या है। धोखा देना, आँखों में बसना, सावधान हो जाना या हानि पहुँचाना। हम अच्छी प्रकार से जानते हैं कि आँखों में धूल झोंकना का मतलब होता है धोखा देना, अतः हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, धोखा देना। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7 आप पढ़ें, कि सातवां क्वेश्चन है,
होनहार बीरवान के होत डैश 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 इस कहावत को पूरा कीजिए। ऑप्शन है चकना घड़ा चिक्कड़ में पड़ना, पात पात चिकने पात। हम इजीली ऑप्शन देखकर बता सकते हैं कि होनहार बीरवान के होत चिकने पात ये पूरी कहावत होती है, इसलिए हमें ऑप्शन मिल जाएगा कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, होनहार बीरवान के होत चिकने पात। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिसको आप पढ़ें तो लिखा है लेखापाल शब्द का अंग्रेजी पर्याय है एडजस्टमेंट, ऑथोरिटी, अकाउंटेंट या ऑडियो। आप अच्छी प्रकार से जानते हैं कि लेखापाल को अंग्रेजी में अकाउंटेंट कहते हैं, इसलिए हमारा आंसर सही होगा सी, अकाउंटेंट। लेखापाल के लिए अकाउंटेंट शब्द होगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 हमारी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं और अब आप पढ़ें। इनमें से कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है? दामिनी, वसुधा, अवनी, धरा। आप अच्छी प्रकार से जानते हैं कि सबसे पहला ऑप्शन जो है दामिनी, वो बिजली का पर्यायवाची होता है, इसलिए पृथ्वी का नहीं हो सकता। हमारा सही आंसर होगा दामिनी, जो कि सही आंसर नहीं है। मेरे कहने का मतलब पर्यायवाची नहीं है। हमारा सही आंसर जो है आप समझ गए होंगे ऑप्शन ए, कि पृथ्वी का पर्यायवाची दामिनी नहीं होता है। मूव करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, जिसे आप ध्यान से पढ़ें। सेना के पहुंचते ही आतंकवादी 9-2-11 हो गए वाक्य में रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन सबसे आंख बचाकर भाग जाना, ऑप्शन बी सेना में 9 लोगों का होना, ऑप्शन सी 11 लोगों को एकत्रित होना और ऑप्शन डी सबसे लड़ना। हम अच्छी प्रकार से जानते हैं कि 9-2-11 हो गए का मतलब होता है सबसे आंख बचाकर भाग जाना, अतः हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं हमारे 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन है आपका, जिसमें लिखा गया खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? कन्नौजी, कौरवी, बघेली या मगही। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि खड़ी बोली का दूसरा नाम होता है कौरवी, खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है बंदर के गले में डैश 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 इस कहावत को पूरा करिए। ऑप्शन फूलों की माला, केलों की माला, मोतियों की माला या पत्तों की माला। तो ये जो कहावत होती है आपने कभी सुनी होगी कि बंदर के गले में मोतियों की माला, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही होगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। इनमें कौन सा शब्द शुद्ध है? अत्यधिक, अत्याधिक, अत्याधिक, अत्यधिक। आप अच्छी प्रकार से जानते हैं लिखावट में हम कई बार अत्यधिक शब्द लिखते हैं और हमें सही आंसर लगाना था, तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो एकदम शुद्ध शब्द है अत्यधिक, इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें लिखा है आप भला तो जग भला कहावत का अर्थ इनमें से कौन सा है? ऑप्शन तुम अच्छा तो संसार अच्छा, खुद अच्छे तो सब अच्छा, मैं सब अच्छा तो मैं अच्छा, संसार बुरा तो मैं अच्छा। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि आप भला तो जग भला, इसका मतलब होता है अपने आप की बात हो रही है कि खुद अच्छे तो सब अच्छा,
मतलब ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा, खुद अच्छे तो सब अच्छा। आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ें। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, इनमें से कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है। शब्द युग्म का मतलब होता है शब्द के जोड़े। ऑप्शन में दिए हैं, अस्त्र शस्त्र, शोक खेद, उपयुक्त उपर्युक्त या संदेह अधिक। तो आप ये जानकारी रखते हैं कि शब्द युग्म हमेशा या तो मिलते जुलते शब्द होते हैं या फिर एक दूसरे के विपरीत शब्द होते हैं। जैसे ऑप्शन ए तो शब्द युग्म है, अस्त्र शस्त्र हम कई बार यूज़ करते हैं, फेंक कर चला जाने वाले हथियारों को अस्त्र कहते हैं और हाथ में रख कर चला जाने वालों को शस्त्र कहते हैं। ऐसे ही ऑप्शन बी भी एक युग्म है कि शोक और खेद एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं। ऐसे ही ऑप्शन सी में भी उपयुक्त और उपर्युक्त, उपयुक्त मतलब जो है वह और उपर्युक्त मतलब ऊपरी, यह भी मिलते जुलते हैं। लेकिन ऑप्शन डी एक दूसरे से बिल्कुल अलग बताए जा रहे हैं कि संदेह और अधिक, जिनका अपोजिट में भी कोई मेल नहीं और पर्यायवाची में भी कोई मेल नहीं। इसलिए हमारा सही आंसर होगा कि इनमें से कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है, माने इसका आंसर है डी, कि ये संदेह और अधिक ये शब्द युग्मों में हम नहीं देखते। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से मुहावरा कौन सा है। ऑप्शन आँख चिपकना, आँख फट जाना, आँखें चार होना, आँख न होना। आपने कई बार ये मुहावरा पढ़ा होगा जिसमें हम कहते हैं आँखें चार होना। तो हमारा सही आंसर होगा, इसमें से जो मुहावरा है वो सी पर दिखाई दे रहा है, आँखें चार होना। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें लिखा गया, प्रबंध काव्य कितने प्रकार के होते हैं, दो, तीन, चार या पाँच। तो हमें जानकारी है कि प्रबंध काव्य हमेशा दो प्रकार के होते हैं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कि प्रबंध काव्य दो प्रकार के होते हैं। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सा उदाहरण द्वंद्व समास का नहीं है। ऑप्शन सीताराम, रात दिन, माता पिता, दशापति। आप अच्छी प्रकार से जानते हैं कि द्वंद्व समास दो समान पदों के बीच में डैश को बताया जाता है तब द्वंद्व समास होता है। जैसे सीताराम एक जोड़ी है, सीता और राम अपने अपने जगह पर समान महत्व रखते हैं, ऐसे ही रात और दिन एक दूसरे के अपोजिट हैं और समान महत्व रखते हैं। कई बार हम कहते हैं कि सीता और राम ना लिखना हो तो सीताराम लिख दीजिए, रात और दिन ना लिखना हो तो रात दिन लिख दीजिए। ऐसे ही माता पिता, ये भी एक जोड़ी है जिसमें माता और पिता नहीं लिखना हो तो माता पिता लिख दीजिए। तो ये तो सभी द्वंद्व समास के उदाहरण हैं, लेकिन एक ऑप्शन डी है जिसमें दशा पति लिखा है। अब दशा और पति का ऐसा कोई जोड़ा नहीं, या हम ऐसे कभी नहीं कहते हैं कि दशा और पति हो तो बीच में दशा पति कर दो। तो इसलिए हमको समझ में आ गया कि इसमें से द्वंद्व समास का उदाहरण ऑप्शन डी नहीं है। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कि दशा और पति द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, इसमें लिखा हुआ है, इनमें कौन सा संधि का प्रकार नहीं है। ऑप्शन भाषा संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, हम बचपन से जानते हैं कि तीन संधियाँ होती है, स्वर व्यंजन विसर्ग, लेकिन भाषा संधि नाम से हमने कोई संधि नहीं पढ़ी। तो इसलिए हमारा संधि का प्रकार भाषा संधि नहीं होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 20 दिखाई दे रहा है, इनमें से कौन सा मुहावरा नहीं है। ऑप्शन आँखें दिखाना, आँख में चुभना, आँख बिछाना, आँख में गुदगुदी करना। तो देखिए, आँख दिखाना एक मुहावरा होता है, आँख में चुभना एक मुहावरा होता है, आँख बिछाना भी एक मुहावरा होता है,
लेकिन आँख में गुदगुदी करना ये कोई मुहावरा नहीं होता, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी कि आँख में गुदगुदी करना नाम से ऐसा कोई मुहावरा हमने नहीं पढ़ा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें लिखा गया रिजर्वेशन शब्द का हिंदी पर्याय है। रिजर्वेशन शब्द के हिंदी में मीनिंग पूछ रहा है वो। रिजर्वेशन का मीनिंग ऑप्शन दिए हैं आश्वस्ति, आरक्षण, आदान, आमदनी। तो हम जानते हैं रिजर्वेशन का मतलब होता है आरक्षण, कोई चीज़ को रिजर्व करना मतलब आरक्षित कर देना। तो इसलिए हम अच्छी प्रकार से जानते हैं कि ऑप्शन बी सही होगा। तो हमारा 21 नंबर का क्वेश्चन ऑप्शन बी सही होगा। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर है। इनमें से कौन सी कहावत सही है? ऑप्शन हाथ कंगन का फारसी क्या, हाथ कंगन का रंग क्या, हाथ कंगन की गोलाई क्या, या हाथ कंगन को आरसी क्या? तो आपने कई बार ये कहावत पढ़ी होगी जो कि डी ऑप्शन पे आपको दिखाई दे रही है कि हाथ कंगन को आरसी क्या। आप इसको आगे भी पढ़ते हैं तो पूरी कहावत आप पढ़ते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये पूरी कहावत होती है। तो आप ऑप्शन डी पर पहुंच गए, सही आंसर है आपका ऑप्शन डी। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है जो कि आपके स्क्रीन पर है। संपादकीय शब्द का अंग्रेजी पर्याय है एंडोर्समेंट, एक्सचेंज, अर्निंग, एडिटोरियल। अब देखिए, संपादक होते हैं न्यूज़पेपर के संपादक, और हम लोग कई बार संपादक को एडिटर बोलते हैं, तो इसलिए हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि संपादकीय शब्द का अंग्रेजी पर्याय एंडोर्समेंट नहीं हो सकता, एक्सचेंज नहीं हो सकता, अर्निंग भी नहीं हो सकता। तो इसका सही आंसर हो सकता है ऑप्शन डी एडिटोरियल, क्योंकि हम एडिटर से मिलता जुलता समझ जाएंगे। तो 23वां आंसर होगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारी स्क्रीन पर। कौन सी कहावत सही नहीं है? घर का भेदी लंका ढावे, खोदा पहाड़ निकली चोहिया, चोर की दाढ़ी में बाल, काला अक्षर भैंस बराबर। हम अच्छी प्रकार जानते हैं कि हम एक घर का भेदी लंका ढावे पढ़ते हैं, खुदा पहाड़ निकली चोहिया ये भी हम कई बार कहावतें पढ़ते हैं, लेकिन ये चोर की दाढ़ी में बाल ये नहीं पढ़कर हम पढ़ते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। तो हमें जो सही कहावत नहीं वो ढूंढना था, इसलिए हमारा ऑप्शन सी निकलेगा सही, कि चोर की दाढ़ी में बाल ये कहावत सही नहीं है। काला अक्षर भैंस बराबर ये कहावत तो हम कई बार पढ़ चुके हैं और सही होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हमारी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 25 जो कि आप पढ़ पाएँ, तो लिखा हुआ है नोटिफिकेशन शब्द का हिंदी पर्याय है अधिकार या सूचना या ज्ञापन या अधिसूचना। तो हम जानते हैं नोटिफिकेशन के लिए हिंदी में यूज़ किया जाता है अधिसूचना। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी अधिसूचना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारी स्क्रीन पर। भाषा का मूल रूप कौन सा है? लिखित रूप, मौखिक रूप, मानक रूप, साहित्यिक रूप। तो देखिए, मूल रूप मतलब सबसे प्रथम या सबसे स्टार्टिंग रूप, इनिशियली हम लोग मौखिक रूप बोलते हैं। तो भाषा का जो मूल रूप है वो मौखिक है, या इसको आप यूँ भी याद रख सकते हैं कि भाषा का ज्ञान सबसे पहले किसी व्यक्ति के बोलने से होता है और व्यक्ति मुख के द्वारा बोलता है। लिखना या मानक रूप या साहित्यिक रूप ये सब बाद की स्टेप्स हैं, तो इसलिए भाषा का मूल रूप हमेशा मौखिक रूप होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 26 जो अभी था, अब आप पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27। राजपुत्र में एक मिनट, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 27। हाँ, राजपुत्र में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास? तो आप समास के बारे में जो जानकारी रखते हैं उसमें आपको पता है कि द्वंद्व समास तो दो समान पदों के बीच में होता है,
बहुव्रीहि समास भगवान के नाम लिए जाते हैं उनमें होता है जिसमें तीसरा अर्थ प्राप्त हो, और कर्मधारय समास भी जहाँ विशेषण और विशेष हो, जैसे नीलकमल नीला है जो कमल, वहाँ होता है। बस एक तत्पुरुष समास है जो राजपुत्र में हो सकता है, क्योंकि राजपुत्र का मतलब होता है राजा का पुत्र, और तत्पुरुष समास में यही कारण विभक्तियाँ करण विभक्तियाँ चलती है, का से इत्यादि, तो इसलिए हम लगाएंगे राजपुत्र में तत्पुरुष समास। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें लिखा है हथियार डाल देना मुहावरे का क्या अर्थ है। ऑप्शन, हथियार डाल देना, शस्त्र वापस करना, हार मान लेना, या हथियार छूट जाना। हम जानते हैं हथियार डाल देना का उपयोग किया जाता है जब कोई हार मान जाता है, तो इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हार मान लेना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हमारी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, जिसमें लिखा है प्रभंजन शब्द का पर्यायवाची है झंझा, प्रचंड वायु, विध्वंसकारी या तेज हवा। तो आपने प्रभंजन शब्द का पर्यायवाची बताना है जो कि होगा झंझा। झंझा का मतलब पानी सहित जो वर्षा के समय पर हवा चलती है, झंझावत चलता है, उसका प्रभंजन पर्यायवाची होता है। कई बार प्रभंजन से व्यक्ति कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, विध्वंसकारी लगा देते हैं, लेकिन नहीं, प्रभंजन शब्द का पर्यायवाची होगा झंझा। आगे बढ़ते हैं आज की इस कक्षा के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। हमारा आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। कनिष्ठ का विपरीतार्थक शब्द है श्रेष्ठ, अश्रेष्ठ, ज्येष्ठ या वृद्ध। हम जानते हैं कनिष्ठ का विपरीतार्थक शब्द होगा ज्येष्ठ, तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा ज्येष्ठ। ज्येष्ठ का उल्टा कनिष्ठ और कनिष्ठ का उल्टा ज्येष्ठ, कनिष्ठ मतलब छोटा, ज्येष्ठ मतलब बड़ा। उम्मीद है आपको 30 क्वेश्चन के आंसर समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन अगर आपको लाभदायक लगे, जानकारी आपको उपयोगी लगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आपको इस वीडियो के बारे में जो भी कहना हो कमेंट ज़रूर करें, ताकि हम समझ पाएँ कि वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही साथ एक और जानकारी मैं आपको दे दूं कि यदि ग्रुप 4 के लिए आपको अपने प्रैक्टिस सेट और नोट्स प्राप्त करने हो, तो मैं एक नंबर लिखता हूं जिस पर आप संपर्क कर सकते हैं नोट्स प्राप्त करने के लिए। दिए गए नंबरों पे संपर्क करें, जो कि है 9977651282। इन नंबरों पे आप फ़ोन लगाकर अपने नोट्स और प्रैक्टिस सेट की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जानकारी उपयोगी लगने पर शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके हमें सूचित ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। फिर मुलाकात ज़रूर होगी।